कहते हैं कि आंकड़े हकीकत का आईना होते हैं और आंकड़ों की कसौटी पर दिल्ली की कानून व्यवस्था हमेशा से हिचकोले खाती रही है। आज यही आंकड़े एक बार फिर दिल्ली के कानून तंत्र को मुंह चिढ़ा रहे हैं। हालत यह है कि देश की राजधानी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में देश के महानगरों में नंबर दो हो गया है, जबकि लखनऊ इस मामले में अव्वल नंबर पर है। बलात्कार के मामलों में भी दिल्ली महानगरों में नंबर दो पर ही है, जबकि जयपुर इस मामले में पहले नंबर पर है। कहीं कोई बच्ची उस अंकल की घिनौनी नजरों का शिकार बनती है जो उसे टॉफी चूर्ण दिलाते थे, तो कहीं स्कूल जाते वक्त लड़कियों का सामना मौज मस्ती का जरिया समझने वाले हैवानों से होता है, और तो और किसी से बदला लेने के लिए घर की महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है। कहने को महिलाएं देश की आधी आबादी है, लेकिन आंकड़ों पर यकीन करें तो पुरुषों के मुकाबले बदसलूकी का शिकार महिलाएं ही अपराध के कवर पेज पर हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है, लेकिन मुकाबला बीते साल से करें तो आंकड़ों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। साल 2017 में दिल्ली की 3076 महिलाएं किसी न किसी जुर्म का शिकार हुई तो, और साल 2016 में ये आंकड़ा बढ़कर 13,640 हो गया। हालांकि पुलिस की दलील है कि इनमें ज्यादातर मामले सुलझाए गए हैं। दिल्ली को दुनिया के सुरक्षित शहरों की कतार में खड़े करने के लिए पुलिस और सरकार की तरफ से ढेरों दावे किए गए, लेकिन आंकड़े यहां भी इन दावों को झुठला रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में अब भी 24 घंटे में किसी न किसी को बेमौत मार दिया जाता है। साल 2017 में 487 लोगों का कत्ल कर दिया गया, जबकि साल 2018 में 513 लोगों की जान ले ली गई। बात गली कूची में होने वाले अपराधों की करें तो यहाँ भी आंकड़े पुलिस के दावों को खोखला साबित करते हैं। स्ट्रीट क्राइम में भी चोर पुलिस के खेल जारी है, चोर आगे आगे और पुलिस उनके पीछे पीछे है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस हर मौके पर दिल्ली में रहने वाले लोगों को बेखौफ होकर चलने और खुद सुरक्षित महसूस करने का एहसास कराती है, लेकिन ये दावे उस वक्त काफुर हो जाते हैं जब हर आधे घंटे में किसी न किसी का सामना राह चलते चोर से होता है। यानी साफ है कि स्ट्रीट क्राइम के मोर्चे पर दिल्ली पुलिस नाकाम साबित हुई है। चोरी, जेब तराशी, झपटमारी के मामलों में पुलिस का हाथ अब भी तंग है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस अब भी अपनी कामयाबी के कसीदे पड़ रही है। बकौल पुलिस सिस्टम के पारदर्शी होने की वजह से हर साल थानों में दर्ज होने वाला मामला बढ़ते जा रहा है। हालांकि साल 1988 के बाद अपराधियों को दोषी ठहराने का आंकड़ा 50% तक पहुंचा है, यानी देश में पुलिस की तफ्तीश के तरीके में कुछ न कुछ सुधार जरूर हुआ है। ये बात तो साफ है कि अपराधी मिले ना मिले, दिल्ली पुलिस अपनी बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ही लेती है।